ये बताते हैं कि आखिरकार इस वक्त बॉस मीटर क्या कहता है, किसका हैशटैग सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, जनता किसको इस हफ्ते का बॉस बनते हुए देखना चाहती है और कितनी जनता देखना चाहती है मुनावर फारूखी को, अरुण को और अंकिता को, मनारा को, देखते हैं। चलिए तो पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक इज द बॉस, हैशटैग 3000+ कुछ जो है हैशटैग इनके यूज किए गए हैं अब तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ। अरुण इज द बॉस 5000+, तो अरुण मतलब कि अभिषेक से भी, अभिषेक को इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अभिषेक को तो ना लवी डवी वाले जो पागलपन, प्यार में पागल हो जाते हैं वो लोग पसंद करते होंगे, और उतने वैसे लोगों की तादाद बहुत कम है मुझे लगता है। तो अभी तीसरे नंबर पे है मनारा इज द बॉस 7000+, दूसरे नंबर पे अंकिता इज द बॉस 7000+, पहले नंबर पे मुनावर इज द बॉस 71000+, मतलब कि इनसे बहुत आगे है मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी की जनता जो है अब जाग चुकी है, अब भाई किसी और को वो आगे बढ़ने नहीं देगी जिस तरीके से मुनावर फारूकी की जनता जाग रही है। और दूसरी बात ये है कि मनारा मनारा जो है बहुत जल्दी अंकिता लोखंडे को पीछे छोड़ने वाली है, और मुनावर और मनारा में कंपटीशन हो सकता है बॉस ऑफ द वीक का, क्योंकि मनारा बहुत तेजी से आगे जा रही है। मनारा के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, मुनावर के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, और मनारा के बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी उंगलियां भी उठ रही हैं, जिसके कारण लगातार बातें हो ही जा रही हैं। तो अब जो है मुनावर और मनारा जो है बहुत जल्द टॉप टू होंगे। आप किसको चाहते हैं कि कौन बने बॉस ऑफ द वीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।